तेरा काफ़ी ऊपर है। अच्छा ये जो है ना प्रॉपर उस पर बना रखा है, और ये साथ में एक बरगद का पेड़ है उसी पे बना हुआ है। वहीं से टाइगर निकलता है। यार हम रात को कॉर्बेट के जंगल में घूम रहे हैं, सोचो ये थॉट ही इतना ज्यादा हुआ है ना। ये भैया है ये रात को यहाँ से अभी घर जाएंगे, कितने बजे निकलते हैं भैया वापस? अब आप चले जाएंगे 7-7.5 बजे घर चले, 7-7.5 बजे यहाँ से जाएंगे। नाइट सफारी हो जाती है, दिख जाता है लाइट, कभी कभी मिल जाता है। कह रहे हो परसों मिला ना आपको रास्ते में? जैसे गर्मी में है, गर्मी में ऐसे एक के साथ साथ चार चार पांच पांच टाइगर दिखते हैं। हाँ तो इसमें ज्यादा खुशी होती है गेस्टों को, और गेस्ट खुश होके जाते हैं। ये क्या हुआ? यशवी वापस आ, ध्यान से आना। हाँ हाँ यशवी चल, यहीं पर है कोई, फिर आवाज हो रही है इधर, फिर आवाज हो रही है। चढ़ 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 जा बस अब जल्दी से। मम्मा यहाँ पहले तुम टॉर्च जला के मत देखो बेटा, मैं वही कह रहा हूँ जानवर थे। आप लोग ना यहाँ से देखो, आप लोग हम वापस भाग के आ गए इधर। अब If you are a fan of travel content and you like fun family videos, तो Mile Chasers को subscribe करना ना भूलें। So guys, welcome back to Mile Chasers. मैं हूँ लव और हम इस वक्त हैं फाटो FRH में। अभी जस्ट हमारी सफारी ख़त्म हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के रूम्स। हमारे पास एक है ट्री हाउस और एक नॉर्मल रूम, तो दोनों आपको अभी दिखाऊंगा मैं, और चेक इन बस कर लें फिर करते हैं, क्योंकि अंधेरा भी हो रहा है आज, नहीं तो सुबह शूट करूँगा, बट दिखाऊँगा आपको सारा। ये रही अपनी गाड़ी माइल चेजर्स वाली, और पापा मम्मा का रूम जो है नीचे है, और यशवी और मैं रुकने वाले हैं ट्री हाउस में। ट्री हाउस में जो कि वो रहा ऊपर, तो भी देखते हैं अभी अंदर जाके, पहले यहाँ के सारा पूरा पहले देखें क्या सीन है। ये है कि अगर बंदर आ गया रात को तो? देख बंदर तो आ सकता है, लेकिन लेपर्ड, और लेपर्ड, लेपर्ड आ गया तो फिर मजे हैं। पहले आपको यहाँ से दिखाता हूँ मैं नीचे जो मम्मा पापा का रूम है, क्योंकि वो ऊपर तक जाएंगे नहीं तो वो नीचे ही रुकेंगे। ये रहा भाई रूम। ये सोनू भाई कब कह रहे थे कब बनाइए? जी भाई कब से बना हुआ है ये? 1912 का। 1912 मतलब अंग्रेजों ने बनवाया था, कब से बना हुआ है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूरज है, 1912 का बना है। सबसे ज़्यादा टाइगर की मूवमेंट होता है फाटो टूरिज्म से, और ये इतने जितने जल्दी ये अब ओपनिंग होगी इसकी दूसरे नए वालों की, तो इतना बढ़िया गेस्टों का हो जाएगा कि गेस्ट अपना आनंद लेंगे, और हर चीज़ गीजर उजर सभी अब मिलेगा। वाह क्या बात है, तो आप आओगे तो ये आपको यहीं पर मिलेंगे और जी। पूरा आप यहाँ पे। और सर एक बात है, जो गेस्ट मेरे से पूछते हैं, जो फिटिंग करने वाले आए, वो पूछे कि गेस्ट को क्या क्या चीज की उपलब्ध कराना है, तो जैसे अभी साबुन ब्रश ये नहीं मिलता था, लेकिन अब गेस्ट को एक एक किट मिलेगी। क्या बात है। और जब वहाँ पेमेंट जमा करने जाएंगे तो एक एक किट मिलेगी, उसमें एक शैम्पू होगा, एक तेलक शीशी होगी, ब्रश होगा, साबुन होगी, ये सब पूरी किट होगी। ये सही, जितना हो जाए उतना, यहाँ पर जंगल के अंदर जो इतना मिल जाए वो ज़्यादा ही है। और सबसे ज़्यादा जैसे बॉम्बे और महाराष्ट्र ये सब आते हैं, फोटोग्राफर आते हैं, सबसे ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पर होता है, तो इसलिए इतना अब इस समय पैकिंग इतना चालू हो जाएगा कि 10 दिन 15 दिन 20 दिन 15 दिन 20 दिन एक महीने के बाद ही यहाँ पर बुकिंग मिलेगी। बिल्कुल, वो तो पता ही, जैसे गर्मियों में तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा रहता है ना, पानी पे आए रहता है। बुकिंग जैसे गर्मी में है, गर्मी में ऐसे एक के साथ साथ चार चार पांच पांच टाइगर दिखते हैं। हाँ तो इसमें ज़्यादा खुशी होती है गेस्टों को, और गेस्ट खुश होके जाते हैं। बिल्कुल, चलिए वहाँ पे वो भी देखते हैं फिर, अपना ट्री हाउस भी है उधर। वाह यहाँ बाहर भी आप आके बैठ सकते हो आराम से। हाँ हाँ अभी तो और यहाँ सुविधाएं का लाइट वाइट ये लगेंगी। ट्री हाउस में चाबी लेकर, तो ये एक ट्री हाउस है, अभी एक ही है, तो ये बता रहे हैं कि एक और बनने वाला है इस तरफ। दो और बनने वाले हैं वो अलग अलग डिजाइन के हैं। एक वहाँ बनेगा जो वहाँ पर तालाब है, वहीं पे जो है 60 फीट की दूरी होगी, वहीं से तालाब से ही दिखेगा वो। क्या बात है, तो यहाँ पीछे वाटर होल है, तो जो यहाँ बनेगा ना भाई वो डिमांड में रहने वाला है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहीं से लोग ऊपर से अपने दरवाज़ा खोलेंगे। हाँ। और पीछे ही साइटिंग होगी वो। हाँ। तो मतलब बुक ही जाने वाला है पूरा टाइम। हाँ मतलब जो पहले परेशानी मतलब नए टिस्टे करते थे तभी दिखता था, लेकिन अब जो है नए टिस्टे अपने रूम में रहेंगे तब भी दिखेगा। वाह हाँ। तेरा काफ़ी ऊपर है। अच्छा ये जो है ना प्रॉपर उस पर बना रखा है, और साथ में एक बरगद का पेड़ है उसी पर बना हुआ है। वहीं से टाइगर निकलता है, और एक टाइगर का मोमेंट ये है जो यहाँ पर एक बॉम्बी बनी है वो वहाँ सामने। हाँ हाँ हाँ। वहाँ से ऐसे मेरे गेट से जो नया वाला बना है उससे ही थोड़ा पीछे हटके ऐसे टाइगर निकलता है। अच्छा जी। टाइम है कि निकलेगा ही निकलेगा? 11 और 2 के बीच में। ये सुबह का बता रहे हो, रात का बता रहे हो? शाम रात का, तो हम जा देख सकते हैं।
अभी कहाँ देखेंगे, रात को इलाव ही नहीं है। ऊपर चढ़ना शुरू करें, पूरा पेड़ों के बीच में से ही जाना है। ज्यादा गर्मी होगी उतने मोमेंट होगा टाइगर का। पूरा ऊपर आ गए यार हम, अंधेरा हो गया वैसे। ये रहा हमारा, आपको उस तरह से दिखा देता हूँ पूरा। ये देखो, वाह भाई, अंदर चल के देखें जरा। ये देखो पूरा पेड़ के साथ चेंजिंग रूम है। क्या बात है यार, बहुत है। हटाओ। अच्छा यार, चेंजिंग रूम अलग से दिया हुआ था, वॉक इन वार्डरोब टाइप। ये बाथरूम चाहे बैठने का भी आपका बना हुआ है, और ये रहा वॉशरूम। कैसा लगा सर आपको? बहुत सुंदर है सर। अब जो बन रहे हैं वो इससे अच्छे बने। क्या बात है। हाँ, वो केवल ढांचा रहेगा लोहे का, बाकी शीशा ही लगेगा। वाह, अच्छा कि हाँ। अभी तो जरूरत नहीं है, बट गर्मियों के टाइम पंखा भी है। पंखा है, और अब जो है तो अब दे रहे कूलर। अच्छा, सारी सुविधाएं हो जाएंगी मतलब इधर ही। बस दो ही चीजें नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने नहीं परमिशन नहीं दी है, एक लाइट और एक जो है मोबाइल नेटवर्क। यहाँ पे चाहिए भी नहीं, यहाँ पे भी मोबाइल। हर तरफ खिड़कियाँ दी हुई है यार, हर तरफ खिड़कियाँ, मूवमेंट देखेंगे रात को। क्या बना हुआ यार, वाह मजा आ गया। तो एक बात बताओ, ये पूरा सेफ है? जी, जैसे लेपर्ड तो चढ़ जाता है ऊपर? नहीं, इसमें पेड़ों पर करंट है। अच्छा। तार लगा हुआ है। अरे वाह, हाँ पेड़ों तक भी करंट है? हाँ, करंट का नीचे से तार लगा देते हैं। हाँ। हाँ, तो पूरे पे लकड़ी छोड़ करके सूखे में नहीं रहेगा, गीले पर रहता है। अच्छा जी। हाँ। और दूसरी बात है, रात को जब करंट छोड़ता हूँ, करंट इसका पावर है ये 11.9 यूनिट जो है इसका करंट रहता है। अगर आदमी को एक बार लग गया तो बेहोश कर देगा। वाह, सही है फिर तो, मतलब एकदम सेफ है। पहले ऐसे लगाएंगे और तुरंत लगाएंगे, तुरंत हटाएंगे, करंट नहीं होगा, नहीं लगेगा। लेकिन पकड़ करके अगर खड़े रहेंगे तो तब पूरे बॉडी को हिला देगा। हाँ, जैसे बिजली होती है वो चपकती है, चपकती नहीं झटके देती है। सही है फिर तो, एकदम सेफ है उस मामले में। हाँ। भी ना, वैसे भी यहाँ पे अंदर की तरफ तो वैसे भी लेपर्ड कहाँ ही आएगा एफआरएच में? नहीं नहीं, यहाँ नहीं है, नीचे टाइप है, वहाँ पे रहता है, आगे की तरफ रहेगा एफआरएच के अंदर। तो वैसे इधर नहीं रहता है, क्योंकि जहाँ पर टाइगर रहता है वहाँ पर लेपर्ड लेपर्ड नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल है। तो यार उधर ना कॉलिंग हो रही है, चीतल बोल रहा है लगातार, उस तरफ जाके देखते हैं। है सोनू भाई? जी भाई। चीतल बोल रहा है उधर? किधर? आवाज़ आई आपको? नहीं, वहाँ से कॉल हो रही है पूरी। ऊपर खड़ा था ना, कॉल हो रही थी पूरी, सुनाई दे रही चीतल की उधर। सारी गाड़ियाँ बाहर निकल गई ना, इसलिए सब एक्टिव हो गए टाइगर। वही तो, दो टांग वाले तो निकल गए बाहर। सुनाई दी चीतल की कॉल हो रही थी कॉन्टिन्यूसली उधर, अभी तभी नीचे आया मैं। हीरा भरा अब हम आकर रूम इधर आपको दिखाया अभी। अब नहीं हो रही, बंद हो गई, बट ऊपर क्लियरली सुनाई दे रही थी अभी, क्योंकि वैसे ना गेट वेट खुले हुए उधर, तो मैं आगे तक नहीं जाऊंगा जब तक इसमें करंट नहीं छोड़ देते। तो बस यार चाय शाय चल रही है अभी, और एक बार दिखाओ इधर। अभी पांडे जी ने बहुत बढ़िया बात बोली, कह रहे हैं इसका नाम ही जब बिकानो है तो बिकता कैसे है। अभी ना यार खांसी बहुत होती है, जब भी हंसी आ रही है ना बहुत तेज़ खांसी हो जाती है। ऐसे ही है, अभी आ गए हैं अपने, अब खा पी कुछ दवाई ववाई लेंगे और फिर रात को बाहर बैठते हैं ट्री हाउस से। अभी ट्रांसफ़र का काम चल रहा है और यहाँ लड़ाई हो रही है। सुबह सुबह इतना हाई पावर थी रख दी वहां पे मैंने। मुझे थोड़ी पता था, तुम अपनी चीज निकाल लो बस। इसलिए यहाँ से जो ब्लैक देखी निकाल ली, मैं तो मेरी है ये साइड, मैं अपना सारा सामान यहीं रखा था। आपकी डॉक्टर से चली है इसके अंदर, देखा? और यार ये ना, हमने पराठे बाहर पैक कराए हुए थे, उन्होंने कहा थोड़ा सा खाया जाए, भूख लगी है। वैसे तो यहाँ पे डिनर आएगा, बट मैंने कहा कि अभी थोड़ा सा खा लूँ। फिर भाई हॉट केस में खाना देके जा रहे हैं ताकि कैंटीन तक ना जाना पड़े, और ये दो ढाई घंटे इसमें कह रहे हैं गर्म रहेगा, तो आप आराम से खाओ जब मन करे, तो ये भी अच्छी बात है। देखो एक हॉट केस यहाँ पड़ा है, बाकी सारा ये रहा। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये लोग जल्दी बंद कर देते हैं कि 8 बजे के अराउंड 7:45 पूरा क्लियर हो जाता है किचन। एक वेट टिश्यू से ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ और दिए जा रही है कि एक दो से और करूं, क्योंकि जितनी मिट्टी से हम आए हैं ना उसमें तो 2-3 वेट टिश्यू। वैसे यहाँ पर ये है, जो लोग अपनी जो स्वेटशर्ट वगैरह पहन के जाते हैं ना ब्लैक में जाते हैं, जब तक आ रहे होते हैं ना सफ़ेद हो चुके होते हैं, क्योंकि इस जोन में मिट्टी बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। मैं तो कल भी वही पहन के जाऊँगी। ठाकुर साहब तैयार हो रहे हैं, इनको हम वैसे ठाकुर कहते हैं, क्योंकि ये ना वो लगते हैं ना एकदम, जो कौन से ठाकुर थे वो पता नहीं,
बसंती वाले शोले के ठाकुर, तभी इनको ठाकुर कहते हैं। चलो यार थोड़ा सा ना बाहर होकर आते हैं, वैसे तो अंधेरा आपको ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं, बट कॉल वॉल चलती रह रही है यहाँ बीच में ना, तो हमने सोचा थोड़ा राउंड मारे, कुछ अगर लगता है चांस वांस बन जाए तो मज़ा आएगा। बट थोड़ा सा यहाँ पे ना डर का भी वो रहता है, वैसे तो अंदर नहीं आता बट कुछ कह भी नहीं सकते ना कभी। देखो सामने गेट है, अब बाय चांस क्योंकि टाइगर के लिए ये जो फेंसिंग होती है कुछ नहीं है, अगर वो चाय में से कूद के आ सकता है टाइगर में, वो वाली सीन होता है, वो बस आता नहीं क्योंकि ह्यूमन सेटलमेंट से दूर रहता है। वैसे यहाँ पे सारी वायर में इलेक्ट्रिक करंट है, बट जेनरली बताऊँ तो वो भी फ़र्क नहीं पड़ता टाइगर को उससे भी कुछ, क्योंकि उसकी खाल इतनी मोटी होती है कि उसको इन फेंसिंग की जो करंट होता है उससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, उसको पता भी नहीं चलता झटका लगा। ये बेसिकली लगाई जाती हैं ताकि हाथियों को दूर रखा जा सके। देखो हम जाएंगे कैसे, तो पूरा ही अंधेरा हो गया। हाँ वही कह रहा हूँ यार, उस गेट तक जाके देख सकते हो थोड़ा सा, उधर नहीं मैं अपने ट्री हाउस की बात कर रहा हूँ। वो तो हम लाइट जला के जाएंगे, वैसे हमारा ट्री हाउस वो है पूरा अंधेरा है जो दिख नहीं रहा आपको ऊपर की तरफ है, बट ठंडा यार मज़ा आ रहा है लेकिन बाहर बहुत। यार हम रात को कॉर्बेट के जंगल में घूम रहे हैं, सोचो ये थॉट ही इतना ज़्यादा हुआ है ना। वाह थोड़ी थोड़ी लाइट है बस, टाइगर चाहे तो यहाँ आराम से अंदर आ सकता है लेकिन वो नहीं आएगा क्योंकि ह्यूमन सेटलमेंट है, लाइट के पास नहीं आएगा, बस ये चीज़ है जो दूर रख रही है। पर आना हुआ तो आ भी जाएगा, आना हुआ तो आ भी जाएगा भाई, चांस रहता है, बट कभी ऐसे आया नहीं है जो उन्होंने बोला है। जैसे डिकाला में केस हुए थे दो अभी पीछे, तो हो ही सकता है भाई कभी भी। हम अभी इसलिए थोड़ा सा बाहर घूम रहे हैं क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा नहीं है, कुछ 7 राउंड ही हो रहा है, लगता है कि 10-11 बज गए होंगे, लेकिन सामने तो थोड़ी लाइट जल रही है ना लेफ्ट पे, वो कैंटीन है इनकी, वहाँ पे लोग हैं तो इसलिए वहाँ तक हम जा रहे हैं कि चलो वहाँ तक तो वैसे भी जा ही सकते हैं, खाना खाने 8 बजे तक लोग आ रहे हैं उधर, तो वहाँ तक एक बार होकर आ रहे हैं ताकि आपको भी थोड़ा दिखाएं कि क्या सीन है। जितने में लाइट है वहाँ तो दिख रहा है, जहाँ लाइट नहीं है वहाँ घूप अंधेरा है भाई, पिच डार्क। अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा घूम रहे हैं ना, तो डर तो लग रहा है, मतलब लग रहा है कि वापस चले जाएँ, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा घूम रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा ठंड है। देखो फ़ोन से ही कर रहा हूँ शूट, बाकी सब ट्रांसफ़र पे लगा हुआ है क्योंकि बट बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है इधर जंगल के बीचों बीच। ये रहा हमारा रूम, मतलब पापा मम्मा का रूम, और भाई जी खाना ला रहे हैं, जो सैलेड भी ला रहे हैं। भैया यहाँ पे रात को सब सेफ रहता है ना? हाँ। कभी ऐसा तो नहीं होगा अंदर आ गया टाइगर लेपर्ड में से कोई? नहीं अंदर नहीं आता। नहीं आता ना, मतलब यहाँ पे जैसे उधर तक जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं अंदर आप घूम सकते हैं ना। चलो बढ़िया है, तो कोई डर वाला सीन है नहीं, अंदर आ जाएंगे ना। वो तो कैंपस में वैसे भी आ जाते हैं, चीतल तो कैंपस में घुस जाती है। यहाँ सामने बिंदियाँ दिख रही हैं लाइट की, ये देखो ये जो है ना ये करंट है सारा, तो स्पार्क कर रहे हैं, जिस पे ओस गिरती है ना तब करता है, तो ये करंट इसमें चल रहा है, आवाज़ आ रही होगी। भैया के साथ ही हम जा रहे हैं कैंटीन तक, ज़रा मैं कहा चलो साथ है तो चला जाए, और सोनू भाई और पांडे जी भी यहीं पे मिल गए हैं। हाँ जी साइटिंग हो गई क्या यार? हो गई साइटिंग? कॉल आपने सुनी? अरे कई बार हो रही है बीच बीच में। अरे पीछे भयंकर हमारे सारे गैस, मतलब गैस मजा नहीं है। डाउनलोड उसका नया रिलीज, हम जा रहे थे बाइक पर तो आगे से क्रॉस मारा था। अरे उसके बाद अभी कल तो नहीं मिला, आज भी नहीं मिला। बाप रे भैया है रात को यहाँ से अभी घर जाए, कितने बजे निकलते हैं भैया वापस? अब आप चले जाएंगे 7-7.5 बजे घर चले जाएंगे, 7-7.5 बजे ले यहाँ से जाएंगे। आपको ये नाइट सफारी हो जाती है, दिख जाता है वहाँ लाइट। कभी-कभी मिल जाता है। कह रहे हो परसों मिला ना आपको रास्ते में? मिला था। लेकिन ये अच्छी बात है कि इनकी गाड़ी खड़ी है उधर, उस पे जाते हैं, लेकिन कई कई यहाँ पे बाइक से भी लोग जा रहे हैं। आप कहीं बाइक से गए हो? दिन में गए, रात को नहीं जा। रात में नहीं ना। चलो ये सामने ही गेट है, और अभी जब पांडे जी वगैरह यहाँ से गए थे, मैंने आपको दिखाया था ना, तो बता रहे थे कि इतनी भयंकर कॉल चल रही थी, बोला ही है उन्होंने लड़ाई बंद हो गई है, बट हम कोशिश कर रहे हैं अगर थोड़ी सी कॉल वॉल पता चले ना तो मज़ा आए। तो मैं आपको एक बार खाना दिखा देता हूँ। वैसे हमने बोला है कि सादा देना एकदम, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, तो मिर्च मसाला मत करना। राइस, फिर अपने चावल, आलू गोभी, मस्त लग रही है ये तो। और ये आ गई भाई दाल, जो कि एकदम सादी सादी दाल है, क्योंकि हमने जैसे मैंने बोला बोल दिया था कि हमारे को ज़्यादा वैसा मत करना जिसमें मिर्च मसाला ज़्यादा आ जाए ज़रा। रोटियाँ और सैलेड, वाह 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 वाह, ये बन गया अपना खाना, जो कि हॉट केस में यहाँ दे गए, एक आराम से रूम में खाओ। तो वही अभी 8:30 भी हुए और ये शिविर में जा रहे हैं ट्री हाउस में,
कि सब लोग सो चुके हैं, ऐसा लग रहा है 12 बजे हुए, नींद भी आई रही है, सुबह से उठे हुए हैं। बाय बाय कर दो हमें। बाय। तू क्यों बाय कर रही है, तू चल रही है। एडियो। तो हम अब साइन ऑफ करने वाले हैं ना? साइन ऑफ अभी नहीं कर रहे, अभी हम ट्री हाउस दिखाने वाले हैं रात में। चलो बाय। चलो आपको कुछ दिखाई देगा नहीं अंधेरे में, बट फिर भी देखते हैं। इस टाइम वो कह रहे हैं कि ना चीतल वगैरह अंदर आ जाते हैं, स्पॉटेड डियर, और वो तो हर कैंपस में होता ही है, वो आई जाते हैं। चलो चलें अपना, हाँ ट्री हाउस में तो पूरा ही अंधेरा है, हमें जाके देखना पड़ेगा जब लाइट चलेगी। यशवी लाइट लेके चल रही है आगे, ये सामने सोनू भाई की गाड़ी खड़ी है। ये क्या हुआ यशवी, वापस आ यार, वहाँ कुछ तो था, मतलब जानवर थे वहाँ। मम्मा या पहले तुम टॉर्च जला के मत देखो बेटा, मैं वही कह रहा हूँ, जानवर थे। आप लोग ना यहाँ से देखो, आप लोग हम वापस भाग के आ गए इधर। अभी सुनो, आप भी टॉर्च जलाओ अपने फोन। ये भी डर के बाबा अम्मा भी भाग पड़े। जाओ बेटे जाओ, चेक तो करने दो पहले। यार वो फेंसिंग के बाहर भी दो सकता है ना, पहले आगे जाके थोड़ा सा एक बंदा चेक करो जो भाग। जाओ जाओ जाओ। कोई नहीं, लाइट लेके चल, इसे चलती रहे साथ में लाइट लेके। यार बहुत तेज आवाज़ें होती है यहाँ पर, लकड़ियाँ टूटती हैं ना जैसे, लेकिन वो हो सकता है फेंसिंग के उस तरफ हो। यशवी थोड़ा रुक के भागना नहीं है, जल्दी चलो ना फिर। नहीं ऐसे नहीं ना, कुछ हो तो हम वापस जाएंगे ना, या तो ऊपर चढ़ने लग जाएगी। बस ये एक थोड़ा डर लगता है यार, रात में जंगल में ना, टाइगर टेरिटरी है पूरी। हाँ हाँ यशवी चल, यहीं पर है कोई, फिर आवाज़ हो रही है इधर, फिर आवाज़ हो रही है। चढ़ 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 जा बस अब जल्दी से, हाँ पूरी आवाज़ हो रही है यार। चलो 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 चलो, आ जा आ गए हम यार। ये रहा हमारा जो दिखाया था आपको, नींद तो बढ़िया आएगी इधर काफ़ी। कोशिश करेंगे कि थोड़ी अगर मूवमेंट दिखे, बट नीचे रात में दिखेगा ही क्या ना, आपको भी हम क्या ही दिखाएंगे जंगल में इस टाइम। सोया जाए और क्या। अच्छा यार ये जो ट्री हाउस है ना, मैंने आपको इसके बारे में एक बार बता दूं, इसका जो सीन रहता है अभी ऑनलाइन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो फाटो का FRH है ना, ये अभी ऑनलाइन उसमें आया ही नहीं है। तो इसीलिए कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पांडे जी और सोनू भाई के नंबर हैं, आप उन्हें डायरेक्टली कॉल करना, वो अपने यहाँ पे अपने एंड से करा देंगे ये बुक। सीज़न टू सीज़न डिपेंड करता है चार्जेस भी, और जो चार्जेस की बात है मैं उनसे एक बार फाइनल कंफर्म करके आपको नेक्स्ट व्लॉग में बता भी दूंगा। सुबह जब मेरी उनसे मुलाकात होगी, मैंने कहा मुलाकात बहुत हैवी वर्ड हो जाएगा, बट कुछ और जम नहीं रहा था। ठीक है, तो वो वाला आपको पता चल जाएगा कल के व्लॉग में। बट देन हर चीज़ में यहाँ पर आपको किसी भी जोन में सफारी चाहिए हो, आपको डिकाला की बुकिंग चाहिए हो, जैसे मैं हमेशा करता आया हूँ, भाई अपने साथ यही है, पांडे जी हैं, सोनू भाई हैं, एक ना जोड़ी होती है दो लोगों की, वो ये सीन है। ये दोनों का जो साथ में जोड़ी क्लिक होती है ना, अलग ही लेवल का, मतलब ये चीज़ होती है इसमें। अगर इनसे मिलोगे आपको तब पता चलेगा कि क्या मस्त चीज़ है यार, बैठोगे इनके साथ मज़ा आ जाएगा। तो परेशान करना इनको, कॉल कर लेना, और जैसे मैंने बोला, चाहे FRH के स्टेज हों, कोई भी सफारी बुकिंग हो, यहाँ पे होटल चाहिए हो, सस्ते वाला, महंगे वाला, होम स्टे, सब करा देंगे आपको बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो यार पहुँच गए हैं। अगर कुछ रात को हुआ तो आपको दिख जाएगा व्लॉग में, इस वाले अगले बार एंड करके रखते हैं, ताकि आपके साथ साइन ऑफ हो सके हमारा, और सी यू टाटा बाय बाय हो सके, और कल दोबारा मिलने का वादा भी हो सके। ठीक है, चलो फिर, आप है तो हम है, आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं, भी मीन इट दिल से। ठीक है, थोड़ी तबीयत ख़राब है इसलिए सांस ज़्यादा चढ़ रहा है। सब्सक्राइब करो चैनल को यार, सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ सुबह की सफारी है, आज की सफारी में हमें नहीं दिखा, बट टाइगर दूर दूर दिख रहे थे, इधर उधर जाता हुआ, शूट नहीं कर पाए उसे। कल कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरा जैसे बोलता हूँ सुबह का लक ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, मिलते हैं कल सुबह, बाय बाय।